हमारा नेपाल सरकार का भी कमजोरी है ना। शिवजी को मंदिर में दो आदमी ले जाने काट गया, 50-60 हजार रुपया जाने, 50-60 हजार रुपए थे दो आदमी को, यहाँ रहे को पैसा चट काट, एक आदमी को जेब काट दिया, पैसा नीचे गिरा और उसको बाद वो थोड़ा बहुत लेके वो भी भाग गया। यहाँ का लोग को 5 रुपया, बाहर का लोग को 10 रुपया ऐसा बोला, के लोगों को 5 रुपये और नेपालियों को 10 रुपये, 10 रुपया ऐसा। नेपाल से कैसा लगा आपको? वो तो अभी तो अच्छा लग रहा है। भारत में जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो आप उनके बारे में नेपाल में क्या सोचते हैं लोग? लेकिन सोचना तो अच्छा भी सोचते हैं, लेकिन वो सीमा की का जो है ना उसका संबंध तो बड़ा अच्छा तो नहीं है। फिर किसका संबंध नहीं अच्छा है? सीमा की के बारे में जो उसका सीमाना का बारे में और नेपाल का वहाँ पहचान का, उसके लिए तो अच्छा नहीं, अच्छा नहीं है। आप सीमा के लिए किसको दोषी मान रहे हैं? दोनों का है, वो हमारा नेपाल सरकार का भी कमजोरी है ना। नहीं, इन आगे इसका सीमा की के बारे में उसके ऐसा करके जानना तो बहुत अच्छा नहीं है। नेपाल सरकार के भी दोष है? नेपाल सरकार और भारत दोनों, वो तो बड़ा वाला छोटा वाला का पहचान है उसका। ये सीमा विवाद जो हुआ है उससे भारत में और नेपाल के लोगों में क्या दरार पड़ी है? दरार तो वो देख ला है फिर। उसका बड़ा भाई है ना, बड़ा भाई के होने के बाद तो छोटे भाई तो परेशान होते हैं ना, वही वह बड़ा देश का तो छोटा भाई परेशान होता है फिर। अपना छोटा भाई मानता है नेपाल को भारत, तो ये बताइए कि क्या इसके बाद जब से विवाद हुआ है इसके बाद कोई मतलब परिवर्तन हुआ है सीमा पे? सीमा पे परिवर्तन नहीं हुआ। अच्छा, मतलब उसी तरह से व्यवहार से ये आप लोग चले आते हो? हाँ, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होती आप लोग? प्रॉब्लम तो नहीं है, हमें तो तीर्थ यात्रा के लिए हमें को कभी भी आ सकते हो। आप लोग बनारस गए थे तो बनारस में आपको कैसा लगा? बनारस में पैसा लगा, वो भी लेता है पैसा कबल करके श्राद्ध करता है। अच्छा, अब गया जी में तो एक आदमी का 1100 रुपया उसका दोस्तों रहे हमारा। गया जी में एक आदमी का 1200 रुपये, 1200 कोई दानी 100, 1100 उसका दोस्तों उतना लिएगा। ये इतना आप लोग सुधारने से सुधारिए, नहीं सुधारिएगा तो गया जी का महात्मा खत्म हो जाएगा। भैया अभी मुझे 50 वर्ष का बीच में गया जी को कोई नहीं मानेगा, कोई नहीं मानेगा। अभी आप लोग बताए हैं कि बनारस में आप लोगों के साथ चोरी भी हुआ है? हाँ, काट गया 50-60 हजार रुपया जाने, 50-60 हजार रुपए थे दो आदमी को, यहाँ रहे को पैसा चट काट दिया, काट दिया वो बेहाल हो गया। अच्छा, यही है वो आदमी? अच्छा, दोनों आदमी यही है? अच्छा, तो एक आदमी को पैसा ले गया, हर को आदमी को जाने नीचे गिर गया 8 हजार और 15-20 हजार ले गया, लेकर भाग गया। कौन भागा, कौन लेगा? अच्छा, कई था पता नहीं हुआ। आप लोगों का लगभग 50 हजार रुपए इस तरह से चोरी हुई है? हाँ। अच्छा, जो चोरी करने आदमी पता है तो पुलिस को बता देंगे। अच्छा, अब वो आदमी ने भाग गया, अब पुलिस को बता के क्या हुआ? पुलिस तो पैसा नहीं देगा। अच्छा, पुलिस ने हमको बताने को कोई उन्हें नहीं समझा हमने। अच्छा, ये बताइए, अब त्या जाएगी, अब चाय पियो, चाय पीना के बाद भी इंडियन को 5 रुपया लेता है, नेपाली को 10 रुपया लेता है। अच्छा, हाँ, हमने बोला भाई ये क्यों किया ऐसा? अच्छा जी, ऐसे है यहाँ का लोग को 5 रुपया, बाहर का लोग को 10 रुपया ऐसा बोला। वो चाय वाला ऐसा बोला। यहाँ के लोगों को 5 रुपए और नेपालियों को 10 रुपए, 10 रुपया ऐसा बोला। ये कहाँ पे हुआ है? वही कह रहे बनारस में। चलिए ठीक है सर, वो हमारा आंखा के सामने, आपके आंखों के सामने। हमको तो मालूम नहीं है, चाय का तो 10 रुपया बोला, वो हम 10 रुपया दे दिया। फिर इंडियन लोग आया, उनने चाय पिया, उनको 5 रुपया ले लिया। अरे भाई क्यों ये ऐसा करा? हम बोला अरे बाबूजी ये तो ऐसे है, यहाँ का लोग को 5 रुपया, बाहर का लोग को 10 रुपया ऐसे है बोल दिया। हाँ, इस वजह से इनका।